कैसे लगी फिल्म आपको? बढ़िया लगा यार, जंगल बुक बहुत बचपन की याद दिलाई है और इट्स अ फैंटास्टिक मूवी मेड। लड़के ने अच्छा काम किया मोगली ने, और प्रियंका चोपड़ा का वॉइस अच्छा था, जो का कैरेक्टर था हिप्नोटाइज करते हुए बच्चे को खाने का सोचा, एंड शी टोल्ड हिम द स्टोरी हाउ ही केम टू जंगल, बहुत अच्छा था। और अमिताभ बच्चन का लुई कैरेक्टर फैंटास्टिक था, एंड भालू बगीरा इसने सेम नाम अपने को जो याद है फिर आया है। छोटी मूवी बनाई है इंग्लिश में इतना पात्र को लाने के लिए, बट फैंटास्टिक है, सुपर डुपर हिट रहेगा ये। मेरे ख्याल से कोई भी हिंदी मूवी भी इसके टक्कर में नहीं आएगा भी, मेरे ख्याल से ये लोग इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। वेरी नाइस मूवी, ऑल द किड्स लाइक आई थिंक ऑल द किड्स विल डेफिनेटली एंजॉय द मूवी। वेरी नाइस मूवी। क्या लगा? अच्छा लगा। कौन सा कैरेक्टर? मोगली। मोगली। तू बोल क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ पसंद आया। अच्छा लगा। प्रियंका चोपड़ा का आवाज। इसको इजीली 4.5 दे सकते हैं। अच्छा ही था मतलब, और वॉइस ओवर अच्छा था जो हिंदी में डब किया हुआ है। नहीं ओवरऑल अच्छा था, मूवी अच्छा था, जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा था। 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बढ़िया मूवी थी, लेकिन 3D का यहाँ का 3D का इफेक्ट ना बहुत घटिया है, उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पर बाकी जो एक्टिंग वाइज बोलोगे तो बच्चे की एक्टिंग है, पर वॉइस ओवर है इरफान खान का, बहुत बाप वॉइस ओवर। और उसके बाद शेर खान नाना पाटेकर का वो भी मस्त है, ओम पुरी ने भी मस्त वॉइस ओवर निकाला। सीन मेरे को मतलब ऐसा कोई अच्छा लगा इतना ये नहीं बोलूँगा मैं, पर जो इरफान खान का पूरा एक्ट है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छी लगी क्या? वीएफएक्स अच्छे, और वॉइस ओवर जितने अच्छे वो भी अच्छे लगे, स्पेशली इरफान खान। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? शेर खान जब तक कार्टून में था उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जब तक कार्टून में नाना पाटेकर ने वॉइस ओवर दिया था इतना इम्पैक्ट इस पे नहीं आया। बेस्ट इरफान खान, 4 स्टार। बहुत अच्छा मूवी था। और क्या अच्छा लगा? थोड़ा डरावना था। डर लगा आपको? हाँ थोड़ा। देखूंगा। कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट? वो मोगली। अच्छा, कोई डायलॉग आपको याद है मोगली? वो बोलता था ना। अच्छा, तो अभी जो पहले मोगली आता था वो देखते थे आप? हाँ। अब कितने स्टार्स देंगे फिल्म को आप? 4। अच्छा, अब कितने स्टार्स देंगे फिल्म को आप? विद ओल्ड फ्लेवर आई थिंक वो 5/5 जाता है, इसमें तो कोई है ही नहीं, बट विद दिस आई थिंक 4। थोड़ी बहुत ऐसी थी, बट हाँ हिंदी में इफ़ यू सी इट इज़ मोर फन, इफ़ यू सी इट इन इंग्लिश वो इतना मज़ा नहीं आता। अपना हिंदी का बॉलीवुड का तड़का इज़ लाइक सुपर गुड। यस, फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, बच्चों को भी अच्छी लगी और हमें भी अच्छी लगी। शेर खान और मोगली। यस, बहुत अच्छी थी। शेर खान और मोगली। मज़ा ज़्यादा आया, डर ज़्यादा लगा। हाँ, क्योंकि 3D में था। कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है जो आपको याद, आपका अपना पर्सनल फेवरेट हो जो आपको सबसे अच्छा लगा? मोगली। कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 4। मूवी वाज वेरी गुड, वेरी गुड। आई एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू। और क्या अच्छा लगा फिल्म में? द इफेक्ट्स, एवरीथिंग बहुत अच्छा था। वॉइस ओवर्स भी बहुत अच्छे थे, नाना पाटेकर का वॉइस ओवर, प्रियंका चोपड़ा। यस, बगीरा वाज आल्सो बेस्ट, सुपर्ब मूवी। Yes. The Punjabi, I mean the accent was very good, nice, superb. 4। बहुत बेहतरीन है, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी इस बारे में। मतलब जो मोगली कैरेक्टर है इतना प्यारा है कि मतलब देखकर ही हंसी आती है। और हाफ ऑफ द वे भालू जब वो फॉलो करता है, बगीरा फॉलो करता है, तो एकदम लाइक फैमिली टाइप मूवी है, और आई ट्रस्ट की सभी जाना चाहिए देखने के लिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। अपना पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर? ऑफ कोर्स मोगली, और जो रक्षा थी उसमें इट्स लाइक अ गर्लफ्रेंड, आई फील लाइक मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोल रही है ये चीज़ें, और मतलब दैट्स अ गुड। आई थिंक 4.5, इफ आई वुड गिवन 5+1 दैट वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर द थिंग्स। इमोशनल ऐसा हुआ कि आप जंगल से एक्सपेक्ट क्या करते हो कि वो रूड होगी, आप पे हावी हो जाएगी, वो चलाएगी अपना रूल, लेकिन मोगली ने ऐसा सिखा दिया उनको कि वो गेट टुगेदर हो गए, फैमिली बन गई उनमें, और चीज़ें इस लाइक आप जंगल में हैं तो भी वही आपके वननेस मिल रही है, आपको फैमिली टाइप का लग रहा है, और बाहर आ रहे तो भी लग रहा है यार वही चीज़ें हैं, सेम है, तो काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे। मेरे हाथ में होता 5+1 देता मैं, लेकिन 4 स्टार्स बेस्ट होते। फिल्म अच्छी थी, विजुअल्स अच्छे थे और 3D इफेक्ट्स अच्छे थे और बच्चों ने एंजॉय किया मूवी। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका फिल्म में? शेर खान अच्छा था। कितने स्टार देना चाहिए फिल्म को? 3.5 स्टार। मूवी वाज गुड एंड इट वाज एक्सट्रीमली एडवेंचरस फॉर अस because till now we have seen in our childhood that was a series of Mowgli, but now it's a movie and which is come at a large scale. It's really good. We enjoyed, especially my son enjoyed. A little bit he got scared also. It was good. कितने stars देना चाहिए movie को? I think 5 stars. Movie बहुत अच्छी थी और मैं अपने बेटे को दिखाना चाहती थी। उसने बहुत enjoy किया। सोचा नहीं था कि वो इतना enjoy करेगा। पहले वो डर रहा था, लेकिन उसको देख के बहुत अच्छा लगा। बचपन में कार्टून आता था मूवी या हाँ, तो बचपन में देखा था। उसके बाद में अभी से पुरानी जो मेमोरीज थी वो सब से रिमेम्बर हो गया। सब अच्छा लगा। या टू मच। इसको 5 स्टार।